अथास्ट विंशो अध्याय। दक्ष यज्ञ का समाचार पाकर एवं शिव की आज्ञा प्राप्त कर देवी सती का शिवगणों के साथ पिता के यज्ञ मंडप के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा उवाच। निरे निरे पापा मा मगरे निसासा यदायुर्दक्षमाथ मुत्सवेन सुरशयः तस्मिन्नेवान्तरे देवी पर्वते गन्धमादने धाराग्रीहे वितानेन सखीभिः परिवारिता दक्षायणी महाक्रीडा चकार विविधा सती। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब देवता तथा ऋषि गण बड़े उत्साह के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवे से युक्त धारागृह में सखियों से घिरी हुई अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही थी। क्रीड़ा सक्त तदा देवी ददर्शात मुदसती दक्ष यज्ञे प्रयान्तीं तं रोहिण्या पृच्छसत् परम् दृष्ट्वा सीमन्तया भूतं विजयं प्रशासति स्वसखीं प्रवरां प्राण प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय चंद्रमा के समान दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देखा और शीघ्र ही उससे पुछवाया। उन्हें देखकर सती जी अपने हितकारिणी प्राण प्यारी सौभाग्यशालिनी प्रिय और श्रेष्ठ सखी विजया से बोली। सत्युवाच। हे सखी प्रभरे प्राण प्रिय तुम विजये मम वगमेष्यति चंद्रोय रोहिण्या। सती बोली, हे सखियों में श्रेष्ठ, हे मेरी प्राण प्रिय, हे विजय, जल्दी जाकर पूछो कि ये चंद्रदेव रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। ब्रह्मा उवाच। तथोक्ता विजया सत्या गत्वा तत्सन्निधौ द्रुतम् वगच्छसीति प्राप्रक्ष शशिनं तं यथोचितम्। ब्रह्मा जी बोले, सती के इस प्रकार कहने पर विजया ने तुरंत उनके पास जाकर यथोचित रूप से उन चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। विजयोक्त मथा कर्ण्य स्वयात्रां पूर्व मादरा कथितं तेन तत्सर्व दक्षयज्ञोस्वादिकम्। विजया की बात सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदरपूर्वक बताया और उन्होंने दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ महोत्सव का सारा वृत्तांत सुनाया। दक्षुत्वा विजया देवी वरिता जत संभ्रमा कथयामस तत्सर्व यदुक्तं शशिना सती। तशुत्वा कालिका देवी विस्मिता भुत्सति तदा विमृश्य कारणं तत्र ज्ञात्वा चेतस्य चिन्तयत्। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी जी के पास आई और चंद्रमा ने जो कहा था वह सती से कह दिया। उसे सुनकर सती कालिका देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने विचारने पर भी आपने अपने यहाँ सूचना न मिलने का कारण न समझ पाने पर वे मन ही मन सोचने लगी। दक्षहतीता मे माता च वीरिणीनो कुत सती आह्वानं न करोति स्म विस्मितां मम प्रियं सुतं प्रक्षेयं शंकरं तत्र कारणं सर्वमादर चिंतयेत्वेति सासीद्वा तत्र गन्तुं सुनिश्चया। दक्ष मेरे पिता हैं, वीरिणी मेरी माता हैं और मैं उनकी प्रिय कन्या हूँ, परंतु उन्होंने यज्ञ में मुझे नहीं बुलाया। वे कैसे भूल गए और निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं इसका कारण आदर पूर्वक शंकर जी से पूछूं। ऐसा विचार कर सती ने शंकर जी के पास जाने का निश्चय किया। अथ दाक्षायणी देवी विजयां प्रवरां सखी स्थापयित्वा द्रुतं तत्र तं गच्छचिवान्तिकं दधशतं सममाद्य तसितं बहुभिर्गणः नन्दादिभिः महावीरः प्रवरैर्युथयूथपः दृष्ट्वा तं प्रभुमीशान स्वपतिं सत दक्षजम्
अष्टम तत्कारणम शीघ्रम प्राप शंकर सन्निधिम। इसके अनंतर दक्ष पुत्री देवी सती अपनी प्रिय सखी विजया को वहीं बैठाकर शिव जी के पास शीघ्र गईं। उन्होंने शिव को सभा के मध्य में अनेक गणों नंदी आदि महावीरों तथा प्रमुख युद्धपतियों के साथ बैठे हुए देखा। वे अपने पति सदाशिव ईशान को देखकर उस कारण को पूछने के लिए शीघ्र उनके पास पहुंच गईं। शिवेन स्थापिता स्वांकित प्रीति योग स्वप्रिया प्रमोदेता वचो भीषा बहुमान पुरसरम अथ शंभुर महालील सर्वेशः सुखदः सताम सतीमो वच त्वरित प्रणमाद्यस आदरात। शिव जी ने बड़े प्रेम से प्रिया सती को अपनी गोद में बैठाया और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न किया। इसके बाद महालीला करने वाले तथा सज्जनों को सुख देने वाले सर्वेश्वर शंकर जो गणों के मध्य में विराजमान थे सती से शीघ्र कहने लगे। शंभुर वाच किमर्थम अवतात्र त्वं सममध्ये सविस्मया कारणं तस सुप्रीत्य शीघ्रं वद सुमध्यमे। शिव जी बोले, तुम इस सभा के मध्य में आश्चर्यचकित होकर क्यों आई हो? हे सुंदर कटी प्रदेश वाली, तुम इसका कारण प्रेम पूर्वक शीघ्र बताओ। ब्रह्मा उवाच एव मुक्ता तदा तेरा महेशेन मुनीश्वर सांजलि सुप्रणम्याशु सत्युवाच प्रभु शिव। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी ने जब सती से इस प्रकार कहा तो वे शिवा हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रभु से कहने लगे। सत्य उवाच पितुर्मम महान यज्ञ भवतीति मया श्रुतम् तत्रोत्सवो महानस्ति समवेतः सुरशयः पितुर्मम महायज्ञ कस्मात्तावन रोचते कमरं देवदेवेश तत्सर्वं कथया प्रभो। सती बोली, हे प्रभु, मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें महान उत्सव होगा और वहाँ देवता तथा ऋषि एकत्रित हुए हैं। हे देव देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में जाना आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? हे प्रभु, जो भी कारण हो वह सब बताइए। महादेव, सुहृदों का यह धर्म है कि सुहृदों के साथ अच्छी संगति करके रहें। मित्र लोग प्रेम को बढ़ाने वाले इस प्रकार की संगति को करते रहते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मया गच्छ सह प्रभो यज्ञवाटं पितुर्मेत्य स्वामिन् प्रार्थनया मम। इसलिए हे प्रभु, हे स्वामिन, आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिताजी के यज्ञ मंडप में अवश्य चलिए। ब्रह्मा उवाच तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा सत्या देवो महेश्वरः दक्षवाग्शुहृद्वृद्धो बभाषे सुहृतं वचन। ब्रह्मा जी बोले, सती के इस वचन को सुनकर दक्ष के वाग्बाणों से बिंधे हुए हृदय वाले देव महेश्वर मधुर वचन कहने लगे। महेश्वर उवाच दक्षस्त्वापिता देवी मम द्रोही विशेषतः यस्य ये मनिनः सर्वे ससुरर्षि मुख परे त्रिमूढायजनं प्राप्तः पितुस्ते गणवर्जितः। महेश्वर बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता ऋषि और अन्य लोग अभिमानी मूढ़ और ज्ञान शून्य हैं, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। अनाहूतश ये देव गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं तथा परालयं कतोपीन्द्र लघुर्भवति तद्विधा का कथा च परेषां वीणायात्रा हि तद्विधा। हे देवी, जो लोग बिना बुलाए दूसरे के घर जाते हैं वे वहाँ अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। चाहे वह इंद्र ही क्यों न हो, बिना बुलाए दूसरे के घर जाने पर लघुता ही प्राप्त होगी और फिर दूसरे की बात ही क्या, ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बन जाती है। विशेषेण सत्य मुक्तम मया प्रिय तथा रे भीर न व्यथाते यार्दितोपि शरजन स्वनाम दुरुक्ति भीर मार्म तार्दितः स यथामतः। इसीलिए तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। हे प्रिय, यह मैंने सत्य कहा है। मनुष्य अपने शत्रुओं के बाण से घायल होकर उतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के निंदा युक्त वचनों से दुखी होता है। विद्या देवी गुण सदन्य सताम स्मृतौ हतायां भूयसां धाम न पश्यन्ति फल प्रिय।
हे प्रिय सज्जनों में रहने वाले विद्या आदि छह गुण जब दुष्ट मनुष्य में आ जाते हैं तो उनकी स्मृति नष्ट हो जाती है और वे मानी होकर तेजस्वियों की ओर नहीं देखते हैं। ब्रह्म उवाच एव मुक्ता सती तेन महेशेन महात्मना उवाच रोषसंयुक्ता शिवं व्याप्य विदंबरम। ब्रह्मा जी बोले महात्मा महेश्वर के इस प्रकार कहने पर सती वाक्य वेताओं में श्रेष्ठ भगवान शंकर से रोष पूर्वक कहने लगे। सत्य उवाच यज्ञ स्यात् सफलोजेन सत्वं शम्भुखिलेश्वर अनाहूतोऽसि तेनाद्य पित्रामे दुष्टकारिणा। सती बोली हे शंभु हे अखिलेश्वर जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है उन्हीं आपको मेरे दुष्ट पिता ने आमंत्रित नहीं किया है। तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छामि भवभावं दुरात्मनः सुरर्षीणां च सर्वेषाम् आगतानां दुरात्मनः तस्माच्च देवगच्छामि स्वपितुर्यजनं प्रभो अनुज्ञां देहि मे नाथ तत्र गन्तुं महेश्वर। हे भाव उस दुरात्मा दक्ष के तथा वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देवताओं तथा ऋषियों के मनोभावों को मैं जानना चाहती हूँ। अतः हे प्रभु मैं आज ही अपने पिता के यज्ञ में जा रही हूँ। हे नाथ हे महेश्वर आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा उवाच इत्युक्तो भगवान रुद्रस्तया देव्या शिव स्वयं विज्ञाताखिल त्रिश्रेष्ठ सतीं सूति कनुब्रवीत। ब्रह्मा जी बोले उन देवी के इस प्रकार कहने पर सर्वज्ञ दृष्टा सृष्टिकर्ता एवं कल्याण स्वरूप साक्षात भगवान रुद्र सती से कहने लगे। शिव उवाच देवं ते रुचिर देवि तत्र गन्तुम् आवश्यकम् सुवृते वचनान्नेतम् गच्छ शीघ्रं पितुर्मुखम् एतं नन्दिनमारुह्य वृषभं सज मातरत् महाराजोपचाराणि कृत्वा बहु गुणान्विता। शिव जी बोले हे देवी यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ जाने की है तो हे सुव्रते मेरी आज्ञा से तुम महाराजाओं के योग्य उपचार करके बहुत से गुणों से संपन्न हो इस सजे हुए नंदी वृषभ पर सवार होकर शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। भूषितं वृषमारोहे दुक्तारुद्रेण सा सती सुभूषिता सती युक्ता यज्ञमद्भितृमन्दिरम्। तुम इस विभूषित वृषभ पर आरूढ़ हो तब रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत तथा सब साधनों से युक्त हो देवी सती पिता के घर की ओर चली। महाराजोपचाराणि दतानि परमात्मना सुक्षत्र चामरादीनि सद्वस्त्राभरणानि च गणषष्टि सहस्राणि प्रद्राजग्मु शिवगया परमात्मा शिव जी ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महाराजोचित उपचार दिए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण भी बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। तदुत्सव महानासीत्य जाने तत्र सर्वतः सत्यः शिव प्रियायास्तु वामदेव गणकृतः कुतूहलं गणशक्रु शिवयोर्यश उज्जुगुः बलते पुप्लुवः प्रीत्या महावीरः शिवप्रिया। उस समय वहाँ यज्ञ में सभी ओर महान उत्सव हो रहा था। वामदेव के गणों ने शिवप्रिया सती का भी उत्सव मनाया। महावीर तथा शिवप्रिय वे गण कौतूहल पूर्ण कार्य करने तथा सती और शिव के यश को गाने लगे और बलपूर्वक उछल कूद करने लगे। सर्वथा सिंह महाशोभा कमने जगदम्बिके सुखाराव संभव पूरितं भुवनात्रयम्। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से महान शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि शब्द उत्पन्न हुआ उससे तीनों लोग गूंज उठे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंडे सती यात्रा वर्णनम नामाष्ट विंशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती यात्रा वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।